नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 मई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 68वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीख हुई घोषित। अदानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश से बिहार में खोलेंगे सीमेंट फैक्ट्री। बिहार में फर्जी जीएसटी नंबर वालों को खोजने के लिए चलेगा विशेष अभियान। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर आई अहम जानकारी। केकेआर और आरआर के बीच आज आईपीएल 2023 में पहली भिड़ंत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी सीएचएसएल में नौकरी का मौका। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1600 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। 68वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीख हुई घोषित। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा पास कर ली है और अब मेंस की परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 68वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। मालूम हो कि यह परीक्षा 3 दिन 12, 17 और 18 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें से 12 मई को होने वाली परीक्षा एक पाली में आयोजित की जाएगी और फिर 17 और 18 मई को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 3444 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। मालूम हो कि यह पहली बार होगा जब परीक्षा में निबंध विषय को भी सम्मिलित किया गया है, जो 300 अंकों का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य परीक्षा के लिए मेधा का निर्धारण सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय तथा निबंध विषय में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सप्तपर्णी गुफा के बारे में। सप्तपर्णी गुफा राजगीर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर से करीब 4 किलोमीटर दूर है। यह गुफा ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई है। यह गुफा वैभवगिरी पहाड़ी पर बनी हुई है। यह गुफा राजगीर का एक मुख्य आकर्षण स्थल है और आप अगर राजगीर घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। सप्तपर्णी गुफा को सप्तपर्णी गुहा के नाम से भी जाना जाता है। सप्तपर्णी का मतलब होता है 7 पत्तियाँ। यह गुफाएं प्राकृतिक है। इस गुफा का धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध भगवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। आप पहाड़ी में ट्रैकिंग करके गुफा तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर, मुनि सुवर्त स्वामी, केवल ज्ञान जैन मंदिर, खंडर जैन मंदिर, शिव मंदिर, महावीर स्वामी जैन, श्वेतांबर मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर आकर अपना बहुत अच्छा वक्त बिता सकते हैं। बिहार की ये 8 ट्रेनें 16 मई तक रहेंगी कैंसिल। अगर आप भी कहीं ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी कि 11 मई से 16 मई तक उत्तर रेलवे के बंथरा रेलवे स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही कई ट्रेनों के आवाजाही में अस्थायी रूप से बदलाव भी किए गए हैं। बता दें कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 14617 बनमन की अमृतसर एक्सप्रेस 13 से 16 मई तक, 12203 सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस 14 मई को, 12370 देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस, 13258 आनंद विहार टर्मिनल दानापुर एक्सप्रेस 14 व 15 मई को, 14618 अमृतसर बनमनखी एक्सप्रेस 11 से 14 मई को व 12204 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस 13 मई को, 12369 हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस और 13257 दानापुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 14 व 15 मई को रद्द किए गए हैं। अदानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश से बिहार में खोलेंगे सीमेंट फैक्ट्री। बहुत जल्दी बिहार के नवादा जिले में अदानी समूह अपनी सहयोगी फार्म अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के जरिए वारसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपए का निवेश कर सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने वाला है। बता दें कि इसके लिए बियाडा की ओर से 73 एकड़ से अधिक जमीन भी आवंटित कर दिया गया है। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार इस यूनिट में उत्पादन क्षमता 6 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। वहीं इस यूनिट से मिलने वाले रोजगार को लेकर उद्योग विभाग के द्वारा किए गए आकलन के अनुसार इस यूनिट के निर्माण हो जाने से प्रत्यक्ष और
प्रत्यक्ष तौर पर बिहार के 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। मालूम हो कि सितंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर मीट में अदानी समूह के द्वारा निवेश की इच्छा जाहिर की गई थी। भारतीय विरासत व संस्कृति के तहत 46 कोर्स हुए जारी। यूजीसी की ओर से फाइनल गाइडलाइन जारी करके यह जानकारी दे दी गई है कि अब देश के सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में भारतीय विरासत व संस्कृति की पढ़ाई शुरू होगी। बता दें कि इसके लिए यूजीसी की ओर से न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर भारतीय विरासत और संस्कृति को प्रसारित करने के लिए कोर्स भी तैयार कर लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 46 तरह के कोर्स को शामिल किया गया है, जिनमें सार्वभौमिक मानवीय दल, वैदिक गणित, योग, आयुर्वेद, संस्कृत, भारतीय भाषाएं, संगीत और क्लासिकल नृत्य सहित कई विषय शामिल हैं। बता दें कि इन कोर्स को कभी भी ज्वाइन किया जा सकता है और कभी भी छोड़ा जा सकता है। मालूम हो कि इन प्रोग्राम को 3 लेवल में बांटा गया है, जिसमें पहला लेवल इंट्रोडक्टरी, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा एडवांस लेवल होगा। इसके साथ ही हर कोर्स 60 घंटे का होगा, जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई की जा सकेगी। अब घर बैठे ले सकेंगे शाही लीची का आनंद। अगर आप भी बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद घर बैठे लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब लीची की भी होम डिलीवरी की जाएगी और यह काम फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के द्वारा किया जाएगा। मालूम हो कि फिलहाल स्विगी जिले से प्रतिदिन 500 केजी लीची को महानगरों में होम डिलीवरी करेगा। हालांकि धीरे धीरे समय के अनुसार कंपनी के द्वारा इसकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा। वहीं लीची के रेट को लेकर बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी को 15 से 16 मई तक लीची के रेट के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी जाएगी और फिर 20 मई के आसपास से बाजार में लीची आने शुरू हो जाएंगे। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर आई अहम जानकारी। पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दी गई थी और इसी मुहर के साथ यह भी बताया दिया गया था कि इस परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। हालांकि उस दौरान यह बीपीएससी की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा ट्वीट करके बता दिया गया है कि यह परीक्षा बीपीएससी की ओर से ही संचालित की जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अब यह आधिकारिक हो गया है कि बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी हितधारकों का समर्थन और विश्वास महत्वपूर्ण है। अपनी ओर से हम पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य के हर जिले में बनेगा पुलिस का संयुक्त भवन। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों में मौजूद पुलिस लाइन के बगल में या इसके परिसर में एक संयुक्त भवन बनाने का निर्देश दे दिया गया है, जिसमें दूसरे जिलों, राज्यों या मुख्यालयों से आने वाले सभी स्तर के पुलिस कर्मियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था होगी। बता दें कि यह भवन 5 मंजिला होगा। बहुत जल्द ही इस भवन के निर्माण को लेकर निविदा भी जारी कर दी जाएगी और फिर इसमें चयनित एजेंसी को निर्माण कार्य सौंप दिया जाएगा। मालूम हो कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह भवन 2 वर्षों तक तैयार हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भवन बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम की देखरेख में करीब 25,000 वर्ग फीट में बनेगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। पटना गया डूबी एनएच के निर्माण संबंधी मामले पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और कहा गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था कि NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा दायर कर प्रगति रिपोर्ट दिया जाए और साथ ही कोर्ट के द्वारा निर्माण कंपनियों को यह भी बताने को कहा गया था कि इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, जिस पर कंपनी के द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि यह कार्य 31 मार्च 2023 तक फेज एक का अधिकांश कार्य पूरा हो जाएगा और साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि राजमार्ग का निर्माण कार्य 30 जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया था कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है। राज्य में पारा मेडिकल छात्रों ने की तालाबंदी। बीते मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पर पारा मेडिकल छात्रों के द्वारा अपने मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया था और साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह बुधवार को पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और पारा मेडिकल कॉलेजों में तालाबंदी करेंगे। बता दें कि उन्होंने बीते दिन ठीक ऐसा ही किया। दरअसल बीते दिन PMCH में पारा मेडिकल छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और साथ ही राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में तालाबंदी किया गया।
किया। इसके साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आज यानी कि गुरुवार को उनके द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ओपीडी सेवा को पूरी तरह से बाधित कर दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि उनका 2 साल का कोर्स का 3 साल हो गया लेकिन अब तक फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई है। उनकी बात सरकार भी नहीं सुन रही जिस वजह से वे सभी मानसिक तनाव में हैं। मुर्गी का दाना लदे वैन से हुआ शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्कर की गिरफ्तारी की जाती है और भारी मात्रा में शराब बरामद किए जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के छपरा का है जहां सारण उत्पाद विभाग की टीम को शराबबंदी को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीम के द्वारा की जा रही वाहनों के विशेष चौकसी के दौरान सारण जिले के माझी चेक पोस्ट पर मुर्गी का दाना लदे पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है जिसमें 10 कार्टून बियर, 25 कार्टून 8 PM टेट्रा पैक और 345 कार्टून ऑफिसर चॉइस विस्की है। हालांकि इस बीच वैन ड्राइवर भागने में सफल रहा। बता दें कि इस मामले को लेकर सारण उत्पाद अधीक्षक रजनीश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जो शराब बरामद किए गए हैं उसकी कीमत 7.5 लाख रुपए के आसपास है। बिहार में फर्जी GST नंबर वालों को खोजने के लिए चलेगा विशेष अभियान। केंद्रीय और राज्य माल एवं सेवा कर के अधिकारियों की टीम के द्वारा GST चोरी के लिहाज से फर्जी GST रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को खोजने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाने वाली है जो कि 2 महीने तक चलेगी। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 16 मई से होने वाली है जो 15 जुलाई तक चलेगी और इस बीच फर्जी GST रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर शामत आने वाली है। मालूम हो कि इसके लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है जो कि वाणिज्य कर विभाग के द्वारा नोडल अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है। वहीं अगर टीम के द्वारा फर्जी GST रजिस्ट्रेशन पाया जाता है तो को निरस्त कर उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वाणिज्य कर के सभी अंचलों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश में फिलहाल GST प्रणाली के तहत 1.39 करोड़ कारोबारी रजिस्टर्ड है जिसमें से अकेले बिहार के 5 लाख से अधिक कारोबारी हैं। राज्य भर में खुले डाकघर, बचत योजना में 84,000 अधिक नए खाते। डाकघर के 9 बचत योजनाओं में से 7 योजनाओं में अप्रैल माह से लेकर जून माह तक के लिए जो ब्याज की दरें बढ़ाई गई थी उसका असर लोगों के बीच देखने को मिला है। दरअसल जब से ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की गई है तब से लेकर अब तक यानी कि अप्रैल माह से लेकर अब तक बिहार डाक सर्किल के अलग अलग प्रक्षेत्रों में डाकघर बचत योजना में खाता खुलवाने वालों की संख्या में वृद्धि आई है। बता दें कि राज्य भर में कुल 84,138 नए खाते केवल अप्रैल महीने में खुलवाए गए हैं। वहीं अगर हम डाक विभाग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के जनवरी माह में लगभग 30,000 नए खाते खोले गए थे। वहीं मार्च महीने में यह संख्या करीब 1.5 लाख पहुंची लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल अप्रैल महीने में ही 84,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। बिहार में इस दिन से शुरू होगी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया। अगर आप भी बिहार के किसी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस वर्ष राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में JEE मेन स्कोर के तहत एडमिशन लिया जाएगा। मालूम हो कि JEE के द्वारा एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मई के बाद जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष राज्य में कुल 11,435 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। बता दें कि इसके तहत आप 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग में BTEC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और साइबर सुरक्षा समेत कई विषयों में एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के 17 जिलों में आज लू चलने की संभावना। प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं कई जिलों में लू चलने के भी संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग पटना की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि आगे भी लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से पटना सहित प्रदेश के 13 जिलों में शुक्रवार को भी लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं तूफान मोजा और बारिश की संभावना को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। BAU में मौसम विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अभी बारिश की संभावना नहीं है। 13 मई को हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 13 मई को ही हल्की बारिश की भी संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान सक्रिय हो गया है। इसका असर 2 दिन बाद पूर्व बिहार में पड़ सकता है। आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। जदयू कहीं नहीं रही नंबर 1। बीते दिन बुधवार को बिहार विधान परिषद में MLC चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों के
शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल बीते दिन हुए शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार विधान परिषद में बीजेपी 24 सदस्यों के साथ नंबर वन पर आ गई है और इसी के साथ जेडीयू अब 23 सदस्यों के साथ नंबर वन से बाहर हो गई है। बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल के शपथ ग्रहण के बाद बिहार विधान परिषद में भाजपा की संख्या जदयू के सदस्यों की संख्या से ज्यादा हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू अब न तो बिहार विधान परिषद और न बिहार विधानसभा में नंबर वन रह पाई है। मालूम हो कि बिहार विधानसभा में जेडीयू पहले ही तीसरे नंबर पर थी, वहीं बिहार विधानसभा में पहले नंबर पर आरजेडी और दूसरे नंबर पर बीजेपी है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बीते दिन बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा गया कि बीजेपी ने पहली बार लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने 5 बार सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन वे भाजपा को छोड़कर चले गए, इसलिए अब भाजपा का लक्ष्य नेतृत्व वाली सरकार बनाना ही है। नीतीश कुमार के राज में प्रत्येक दिन राज्य में 15 से 24 लोगों की हत्या हो रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अब तक यानी कि 8 महीने के भीतर 3.5 लाख लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री गुंडों को जेल भेजने की बात करते थे और वे उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा कभी गुंडों से समझौता नहीं करती। भाजपा वाली सरकार में गुंडे जेल के अंदर रहते हैं या जमीन के अंदर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न तो कोई दूल्हा बनाने को तैयार है और न ही सवाला। नीतीश कुमार को कोई बराती भी बनाने को तैयार नहीं है क्योंकि वे भरोसे करने के लायक नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार बीजेपी के खिलाफ देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की जीतोड़ कोशिशें की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत बीते दिन सीएम नीतीश पटना एयरपोर्ट से झारखंड की राजधानी रांची के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मालूम हो कि इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी 9 मई को सीएम नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलने के लिए उड़ीसा जा चुके हैं। केकेआर और आरआर के बीच आज आईपीएल 2023 में पहली भिड़ंत। आज यानी कि 11 मई को आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 56वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है। बता दें कि आज का यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि आईपीएल 2023 में यह पहली बार है जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत कर आ रही है, वहीं राजस्थान रॉयल्स अपना पिछले रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार कर आ रही है। आज के इस मैच में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है क्योंकि दोनों ही प्लेऑफ की रेस में शामिल है। इन दोनों में जो भी टीम जीतती है वो टॉप 4 में शामिल हो जाएंगी। ऐसे में आज दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दिल्ली में 1857 को सिपाही विद्रोह भड़का। स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के दौरान भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के अधिकारियों से दिल्ली पर 1857 में कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण 1998 में किए। जनसंख्या घड़ी के मुताबिक 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची। बगलिहार परियोजना पर 2005 में भारत पाक मतभेदों को निपटाने हेतु विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश SH कपाड़िया को 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 38वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ ने 2010 में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पंचायत और स्थानीय चुनाव में राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है। भारत और पाकिस्तान ने लाहौर और अमृतसर के बीच बस सेवा शुरू करने के 2011 में सहमति बनाई। वेलकम, आज हम बात करेंगे वित्तीय सब्सिडी जीतने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वित्तीय सब्सिडी जीतने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक से 6,000 रुपए की वित्तीय सब्सिडी जीतने का मौका मोहक सही लगता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हालांकि यह लकी ड्रॉ फेक है, यह एक घोटाला है और @PNB India से संबंधित नहीं है। भारत सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध जानकारी को हमेशा PIB फैक्ट चेक के जरिए चेक करें।
जीमेल पर इस वजह से येलो स्टार होता है फायदेमंद। अगर आप भी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास दिन भर में ढेरों मेल आते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन ढेरों मेलों में से कोई भी मेल काम का नहीं होता। ऐसे में यूजर्स को काम के मेल्स के लिए एक शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है जो जीमेल में येलो स्टार के तौर पर मौजूद है। बता दें कि जरूरी मेल पर नए अपडेट को तुरंत पाने के लिए ही यूजर येलो स्टार आइकन का इस्तेमाल कर सकता है। इस आइकन की मदद से जरूरी मेल्स फेवरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। इस आइकन के जरिए यूजर काम के मेल्स और ग्रुप्स को लिस्ट कर सकते हैं। मेल या ग्रुप पर नजर आ रहे स्टार आइकन पर क्लिक करते ही यह स्टार येलो कलर में बदल जाता है, जिसका मतलब हुआ कि येलो स्टार वाले मेल्स की पहचान ढेरों मेल्स के बीच आसानी से की जा सकेगी। हालांकि कई बार कुछ ग्रुप्स और मेल्स कुछ समय के लिए ही जरूरी होते हैं, ऐसे में आप मेल को फेवरेट कैटेगरी से हटा भी सकते हैं। इस दिन होगा आईफा 2023 का आगाज। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2023 का आगाज इस बार 25 मई को होने जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम इस बार अबू धाबी के यस आइलैंड में होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसा इवेंट है जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अवार्ड नाइट में गिना जाता है। इस अवार्ड शो के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर दूसरे और तीसरे दिन सलमान खान, नोरा फतेही, कृति सनन, वरुण धवन समेत कई फिल्मी कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। मालूम हो कि इस इवेंट को लेकर कई फिल्मी कलाकारों के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके भी जानकारी दी गई है। वहीं इस बार इस इवेंट के होस्ट राजकुमार राव है। इस इवेंट के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेहतरीन डायरेक्शन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक भूमिका में, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला सहायक भूमिका में, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष, सर्वश्रेष्ठ कहानी अरूपांतरित और बेहतरीन गीत को पुरस्कृत किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि उन्हें बीजेपी से लगता है डर। बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा बिहार में जंगल राज आने की बातों का अफवाह उड़ाया जा रहा है, जिस वजह से उद्योगपति यहां उद्योग लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और कई बड़ी कंपनी को यहां लाने का प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले हो, हाफ पैंट वाले हो, हम सबकी मदद बिहार में उद्योग लगाने के लिए करेंगे, बस डराइए मत, इससे बिहार का माहौल गड़बड़ाता है। उन्होंने कहा कि हम निवेश को लेकर धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ बीजेपी से डर लगता है। बीजेपी वाले लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, जंगल राज बोलकर क्या फायदा मिल रहा, बिहार को बदनाम क्यों कर रहे हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुटु रंगीला, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, नुनु गोलू कुमार, कृष कुमार यादव, मिथिलेश कुमार यादव, कन्हैया कुमार, सौरभ कुमार, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, प्रमोद राम, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, उमेश सिसोदेव, पी के पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चल रहे लेट सेशन पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।